अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं गाइस एक न्यू अपडेट के बारे में जो कि है गाइस अनबैन अकाउंट्स। तो गाइस जिन जिन लोगों के अकाउंट्स जो हैं बैन हो चुके हैं तो इस अपडेट के बाद होने वाले हैं सभी के अकाउंट अनबैन। वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे किस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट्स को अनबैन करा सकते हैं ये सब कुछ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेट कर दो। सो गाइस लेट्स गो। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्री फायर इंडिया सर्वर के अंदर अभी बैन है लेकिन बहुत जल्द अनबैन होने वाली है इंडिया सर्वर के अंदर फ्री फायर। तो अपडेट आ रही है अभी के समय इसी अपडेट के बाद जो कि 24 जनवरी के बाद आ रही है पाकिस्तान सर्वर नहीं लेकिन दूसरे सर्वर के अंदर गाइस अकाउंट अनबैन का एक ऑप्शन आ रहा है जहां पे आप लोग अपने अकाउंट्स को अनबैन कर सकते हैं। भाई स्कैम वाला चक्कर ही भाई फालतू का जो चक्कर था ना वो सब अब खत्म होने वाला है। भाई बहुत ज्यादा लोचा था तो वो वाला सीन अब खत्म होने वाला। अब आप लोग अकाउंट्स को अनबैन कर सकते थे पबजी के अंदर पहले ये ऑप्शन था अब फ्री फायर के अंदर भी लेके आ रहे हैं गाइस। एक तो गाइस जैसे हम लोग फ्री फायर अकाउंट क्रिएट करते थे तो एक लिंक ऑलरेडी बिंड हो जाता था जो कि फेसबुक या गूगल का होता था या ट्विटर का। तो अब वो वाला अकाउंट जो है ना मेन रहने वाला है बिंड। तो अब जो है ना मेन गाइस लिंक जो है ना वो बिंड रहने वाला है कि सारों को आप लोग अनबैन कर सकते हैं इस अपडेट के बाद। दूसरे सर्वर के अंदर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा लेकिन पाकिस्तान सर्वर में अभी कुछ समय के बाद आएगा जैसे इंडिया सर्वर के अंदर गाइस गेम अनबैन होने। जैसे ही गाइस इंडिया सर्वर के अंदर फ्री फायर अनबैन होगी तो इसके बाद ये वाला ऑप्शन तकरीबन हमारे सर्वर के अंदर भी आ जाएगा। तो गाइस ये एक काफी अच्छी न्यूज है जहां पे आप लोग अपने अकाउंट को अनबैन कर सकते। इसके बाद गाइस एक फीचर आ रहा है जिसमें आप लोग अपने अकाउंट को मैनेज कर सकेंगे कि आप लोगों का अकाउंट जो है किस किस जगह के ऊपर भाई आपका आईडी फिलहाल साइन है ना तो वो आप लोग साइन आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपका आईडी किसी दूसरे के मोबाइल के ऊपर लॉग इन है तो आप लोग अपने मोबाइल से लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे गाइस हम लोगों ने पहले अगर किसी बंदे को अपनी आईडी का लिंक दिया हुआ था भाई जब भी हम लोग गेम खेलते थे वो बंदा उठ के भाई मुंह उठा के भाई लॉग इन कर लेता जो कि एक फालतू चीज है भाई सारा मूड ऑफ हो जाता था। तो आपसे हम लोग अकाउंट अनबैन भी कर सकेंगे और दूसरे मोबाइल से लॉग आउट भी करवा सकेंगे सिर्फ इसी ऑप्शन के जरिए। तो ये वाला अपडेट काफी बढ़िया है। तो दूसरी बात रही गाइस अकाउंट अनबैन की जो कि मेन अपडेट है गाइस। अकाउंट अनबैन में गाइस होने वाला ये है कि जिस नोयत का अकाउंट होगा उस नोयत के हिसाब से आप लोगों को गाइस पनिशमेंट दी जाएगी। यानी किसी अकाउंट के अंदर आप लोगों को टॉप अप करना होगा डायमंड मैनेज कर दिए जाएंगे और किसी अकाउंट के ऊपर आपको टाइम दिया जाएगा भाई ये 2 साल 3 साल या 5 साल के अंदर जिस तरह पबजी के अंदर होता है गाइस कुछ समय के लिए आपका आईडी जो है बैन कर दिया जाता है लेकिन अब अनबैन कर सकेंगे गाइस। आप लोगों को डायमंड टॉप अप करने होंगे और अकाउंट आप लोगों का अनबैन हो जाएगा। तो गाइस जी हां आप लोगों का अकाउंट होने वाला है अब अनबैन जैसे फ्री फायर इंडिया के अंदर गाइस ऑफिशियली तौर पे अनबैन होगी इसके बाद पाकिस्तान सर्वर के अंदर भी आने वाली है तमाम अपडेट्स। पहले होता क्या था गाइस अगर आपका एक मेन अकाउंट है और आप उसको दूसरे अकाउंट जिसका लेवल अभी 1 या 2 है उसके ऊपर हैक लगा के अपनी मेन वाले अकाउंट के ऊपर रैंक पुश कर रहे होते थे तो आपका जो अकाउंट है गाइस वो बैन हो जाता था। अब वो वाले अकाउंट्स गाइस आप लोग अनबैन करा सकेंगे कुछ डायमंड माइनस होंगे कुछ अकाउंट्स के लिए टाइम होगा गाइस आप इस समय के बाद या इस टाइम के बाद आप लोग बिल्कुल अनबैन करा सकते हैं। होता क्या था गाइस आप लोग अपने मेन अकाउंट के ऊपर ना रैंक पुश करने के लिए दूसरा न्यू अकाउंट बनाते थे और उसके ऊपर हैक लगा के रैंक पुश करते थे जिसकी वजह से गाइस आपका न्यू अकाउंट जो है बैन हो जाता था और जैसे आप लोग मेन अकाउंट जो है उस मोबाइल के अंदर या डिवाइस के अंदर लॉग इन करते थे तो गरीना वो वाला अकाउंट भी बैन कर देता था। सीन यह था गरीना जो है ना डिवाइस बैन कर देती थी अगर उस डिवाइस के ऊपर आप दूसरा कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे तो वो भी बैन हो जाएगा अगर आपका अकाउंट अगर आपने कोई गलती करी है कोई हैक वैक लगाया या नहीं लेकिन अगर वो डिवाइस ऑलरेडी गाइस बैंड है तो उस डिवाइस के ऊपर आप लोग जो भी अकाउंट ओपन करेंगे तो वो वाला न्यू अकाउंट भी आप लोगों का बैन हो जाएगा। तो आपसे ग्रीना गाइस एक बहुत ही प्यारा फंक्शन लेके आ रहा है जिसमें आप लोगों के डायमंड मैनेज कर दिए जाएंगे। जैसे आप लोग डायमंड पूरे करेंगे 5,000 6,000 10,000 तक का टॉपअप करेंगे डायमंड आएंगे आपके आईडी में तो आप लोगों का जो अकाउंट है गाइस फुली तौर पर अनबैन हो जाएगा। तो ये रही गाइस मजे की अपडेट। इस तरह की मजे की अपडेट्स गाइस आपका भाई जीएम यहां पे लाता रहता है। तो गाइस अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो और बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेट कर दो। मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो के अंदर बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा अपने प्यारों का।